जय हिंद दोस्तों, बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल मेन लाइन लूप लाइन का कंफ्यूजन क्या होता है इसको समझेंगे और बारीकी से हर वो चीज देखेंगे जो आपके काम का है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे साउदर्न वेस्टर्न रेलवे का ये कभी कभी हमें पढ़ना चाहिए ताकि ये काम आता है। इसमें जब आप देखोगे तो ये बीच वाली लाइन जो है, यहाँ पे जो लाइन दिखा रही है, सिंपल समझो जिस स्टेशन पे आप रुकते हो एक ऐसी लाइन होती है जो सबके बीच में होती है और जहां से सारी ट्रेनें पास करती है सुपर फास्ट, हर स्टेशन पे वो नहीं रुकती है, वही मेन लाइन होता है, तो जनरली वो बीच में होता है। लूप लाइन क्या होता है, जिस पे वो बीच में, बीच के अलावे जो साइड वाले लाइन होते हैं, बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेन का जो सेंट्रल लाइन होता है ना, सेंट्रल लाइन एक ही होता है पूरे देश में, उसी से वो बनाया गया था सबसे पहले वही, उसके बाद ये सब चीजें बनाई गई, क्योंकि एक मेन लाइन हो गया, किसी ट्रेन को रुकना है तो वो इस पे रुक जाएगा, किसी और एक ट्रेन का आ गया तो यहाँ रुकना है। बड़े बड़े जो जंक्शन होते हैं वहाँ पे 10-20 ऐसे होते हैं तो वो अलग अलग हटते चले जाते हैं और लूप लाइन का मतलब है कि वो आराम करने के लिए, रुकने के लिए बनाया गया, सिंपल समझो, एक कॉमन मैन की भाषा में मैं बता रहा हूँ। तो ये जो दो ट्रेनें थी, एक चेन्नई जा रही थी हावड़ा सिकंदरा से, तो इस ट्रेन में, यहाँ भी आप समझ सकते हो लूप लाइन, मेन लाइन, लूप लाइन दो साइड में हो गए, ठीक है, एक आपका लूप लाइन हो गया, एक मेन का मेन लाइन हो गया और एक दूसरा लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब समझते हैं कि ये एक्सीडेंट दरअसल हुआ क्यों था। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 3-4 पटरियां आपको दिख रही हैं, बहुत क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपने ये इमेज कई बार देखा होगा, हर जगह आपको ये दिख जाता होगा। इसमें चूंकि एक ट्रेन जो है जो आ रही है, जो सबसे पहले टकराई, ठीक है, हावड़ा से सिकंदरा यानी चेन्नई तक ये जा रही थी और वो ट्रेन का आखिरी दो बोगी जो है वो दूसरे ट्रेन से, अपोजिट साइड से, मतलब एक इधर से जा रहा है तो दूसरा इधर से आ रहा था, इसका जो पहला एक्सीडेंट हुआ वो दूसरे बोगी के दो बोगियों से टकरा गया, जिसकी वजह से खतरनाक हो गया, एक्सीडेंट ज्यादा हो गया, चूंकि वो जनरल बोगी था इस वजह से। बट हुआ क्या कि लूप लाइन पे ये सारा चीज कंट्रोल कैसे होता है, मतलब उसको कहीं से सिग्नल मिलता है, पहले क्या होता था, मैनुअल होता था, वीडियो में मैं दिखाऊंगा आखिरी में कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता था, वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, बट इसको समझिए पहले। ये मेन लाइन हो गया, आपको पता है यहाँ स्टेशन है, लूप लाइन हो गया, ऐसे छोटे छोटे जगहों की ये बात नहीं है, यहाँ पे 4-5 ट्रैक पहले से हैं। अब जब ये ट्रैक है तो एक ट्रेन आ रही है मेन लाइन से, वो अचानक लूप लाइन पे मुड़ जाती है, क्यों, क्योंकि उसको लूप लाइन का सिग्नल मिला, उसका इंटरलॉकिंग जो है वो सिग्नल दे रहा था लूप लाइन की तरफ, वो ट्रेन थी 125 के रफ्तार में, मुड़ी उधर और जाकर के उस पर मालगाड़ी खड़ी थी, उस पर टकराना शुरू होती है तो पीछे वाले जो बोगी है उसमें झटका आता है और इसकी दो बोगियां सामने एक ट्रेन पास करती रहती है, उससे टकरा जाती है। ये सारी चीजें आपको पता है, इसमें कुछ बताना नहीं, हम लोग प्रोसेस पे बस ध्यान देंगे कि ये कंट्रोल कैसे होता है, सिग्नल देने का काम कहाँ से होता है। देखिए, स्टेशन मास्टर जो होता है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग स्टेशन मास्टर होते हैं, यार्ड में घुसने से पहले परमिशन देते हैं किसको, लोको पायलट को, तभी वो स्पीड के साथ हर चीज कैलकुलेट करता हुआ एंटर होता है। देखिए, ये सब पहले मैनुअली होता था, ठीक है, अब क्या होता है, ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे होते हैं ट्रैक के पास। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो इस चीज को क्लियरली समझ पाओगे। देखो, इतने बड़े बड़े पैनल लगे हुए हैं, अब इतने बड़े बड़े ये चिप इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए हैं, ये बहुत बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स लगे होते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले कैसा था फिर उसको देख लेते हैं, पहले कैसे ये काम करता था। देखिए, यहाँ पे पहले ये चीजें ऐसे चलती थी, हालांकि यहाँ भी आपको डिजिटल दिख रहा हो, लेकिन यही चीज एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से छोटे छोटे लाइट्स जलते रहते थे, पहले आप देखते होंगे जब स्टेशन मास्टर के केबिन में जाते होंगे। लेकिन अभी क्या है, अब ये सब डिजिटल कर दिया गया है, जहां एक्सीडेंट हुआ वो भी डिजिटल ही था, अच्छी बात ये है। बट हुआ यूं, कोई एक व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, उसको सिग्नल देना था मेन लाइन के तरफ ही, उसने लूप लाइन का इंटरलॉकिंग का सिग्नल दे दिया गलती से, एक स्विच होता है जो स्विच ऑपरेट करता रहता है, ठीक है। अब ये स्विच ऑपरेशन का जो पूरा प्रोसेस है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहते हैं, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, पहले मैनुअली होता था, पहले हाथ से उसको खींचा जाता था तब वो जाकर के चिपकता था, तो जिसमें चिपक गया उसी पे ट्रेन चली जाती थी, उसको हटा दिया तो सीधे चली जाती थी। तो हुआ यूं कि इस बार चिपक गया, उसको नहीं चिपकाना था, तो फिर वो मेन लाइन से छोड़ के लूप लाइन में आ गई। अब इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं आपको इसको समझाता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में समझाता हूँ, अचीव थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज नोन एज रिलेज, मैनिपुलेशन ऑफ रिले अचीव इंटरलॉकिंग। जो स्विच होता है ना,
उसको कहते हैं रिले। रिले को ही चलाने से ये काम करता है। बट इन द प्लेस ऑफ प्लंजर्स और एडिशन ऑफ प्लंजर्स लीवर लॉक्स आर अटैच्ड विद लीवर्स। इसमें लीवर्स लगे होते हैं, आपको पता है, मैं दिखाऊंगा आपको। वो लीवर जाके ट्रेन में ऐसे कट से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। दिस वर्क बाई मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, जब किसी आयरन में हम किसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं ना, तो उसमें चुंबकीय गुण थोड़ा सा आ जाता है। तो चुंबकीय गुण आने की वजह से वो चिपक जाता है। इलेक्ट्रिक में क्या होता है, जब उसमें मोटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो सॉफ्ट आयरन होता है, उसके अंदर में ये रैप किया जाता है आयरन को, सॉफ्ट आयरन को, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का काम करता है। और जाकर के जब उसको स्विच से रिले करेंगे, जब सिग्नल देंगे, तो वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये सारा फंक्शन होता है। समझ रहे हो आप? ये सारा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से मोटर सिग्नल देते हैं मोटर को, और मोटर ये काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो ट्रैक्स में वो चिपक के चेंज होते हैं। अब इसलिए ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। रूट रिले इंटरलॉकिंग। अब रूट में, किसी रूट में मान लो कोई मेन लाइन का ट्रेन है, उसको लूप लाइन में आकर के स्टेशन पे रुकना है, तो वो वहाँ से स्टेशन मास्टर को पता होता है रूट, ये ट्रेन है तो यहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है, स्टेशन मास्टर का काम ही यही है। अगर उसको यहाँ रुकना होता है तो वो स्विच से ऑर्डर देता है, ठीक है, ऑर्डर देता है, क्या, वो स्विच को वहाँ क्लिक करता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया कंप्यूटर से, तो जब वो क्लिक करेगा तो मोटर से करंट जाएगा और वो चिपक जाएगा, और ट्रेन खुद ब खुद घूम जाती है। ट्रेन के ड्राइवर के पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है कि वो कार जैसे ऐसे घुमा पाए, उसको पटरी जैसी मिलेगी वो घूमता चला जाएगा। ये क्लियर कट चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। यही मोटा मोटी चीज़ें हैं। पहले काम होता था उस लाल बत्ती और हरी बत्ती वाली से, अब जो है पैनल लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैनल अब हर जगह। तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, और ये चीज़ें को जांच तो खैर सरकार करेगी और इस पर बात चल रही है। अब इसको वीडियो के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, जब पहले के ज़माने में ये होता था, ठीक है, इसको हाथ से खींचा, फिर हरी झंडी दिखाया और ये गया। लेकिन अभी के टाइम में ये बातें नहीं हैं, समझ रहे हो आप? अभी के टाइम में देखो, उसने कंप्यूटर से क्लिक किया, उसका खुद ब खुद चिपक गया और ये पैनल लगा हुआ है। आपको देखने से ये पता चलेगा, यहाँ पे कंप्यूटर से क्लिक किया गया, वो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉनिकली मोटर इसको चिपका देता है और ये खुद पास कर जाता है। कोई इसमें इंटरप्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन पहले क्या था, यही चीज पहले आप यहाँ पे देखो, एक बूढ़े अंकल हैं, वो बेचारे क्या करते हैं, इसको कंधे लगा के पूरा जोर खींचते हैं तो ये हट जाता है तो ट्रेन सीधे चला जाएगा, और जब लॉक करना है तो उसको पेच को लगा करके वो कस के हरी झंडी दिखा रहे हैं अभी। लेकिन ये पैनल लगा दिया गया, पैनल पे आपको दिखता रहेगा वो ट्रेन की लाइन किधर है, कौन सी ट्रेन आ रही है, और उस ट्रेन को अगर रोकना है तो वहाँ स्विच घुमाएंगे, अगर नहीं रोकना है तो वो सीधा सीधा आगे चला जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है। आपको हर एक पॉइंट इसमें मैंने बड़ी अच्छे से कोशिश की है समझाने की। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।